सब कुछ ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, ये सब सत्ता से मिले हुए हैं। गोवा के अंदर इनकी जो मामला चल रहा है, उनकी बेटी का जो एक रेस्टोरेंट चला रही हैं जिसमें बगैर लाइसेंस के बार चलाया जा रहा है, और उनका कोई मुकाबला नहीं है सोनिया गांधी जी से। स्मृति ईरानी जी जो हैं उनको अपने दायरे में होकर बात करनी थी। जब वो बात उनसे रमा देवी जी से बात कर रही थी तो बीच में उनको बात करने का कोई मतलब नहीं है। कभी आपने सुना है कि ईडी ने जो है मध्य प्रदेश में छापा मारा हो या कर्नाटका में छापा मारा हो जहाँ पर इनकी सरकारें हैं? कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी ईडी को क्या कि आप जाकर जो है उनकी जांच करें? टीएमसी के कई नेता हैं जो आए थे, जब इनकी पार्टी में आएंगे तो उनके पास ईडी का काम बंद हो जाएगा, जब उनकी पार्टी में चले जाएंगे तो दूध के धुले हो जाएंगे। आप किसी की जांच तो करवाइए, आप एक भी इनके जो है मंत्री की मुझे आप बता, ईडी ने कहीं छापा मारा हो कहीं जाकर? ये जो 50-50 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है पैसा? छापे पड़ते हैं ईडी के किनके यहाँ? विपक्ष की जहाँ राज्य है वहाँ पड़ते हैं उनके यहाँ। अग्निपथ की योजना जो लेके आए हैं, मैं खुद फौज में रहा हूँ। मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि अधीर रंजन चौधरी जी ने लिखित रूप में महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे बकायदा माफ़ी मांगी है कि उनसे गलती से, क्योंकि उन्होंने 3-4 दफ़ा उनको राष्ट्रपति बोला है और उनके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया है जिसको वापस ले रहे हैं और खेद प्रकट कर रहे हैं, उसके बाद कोई बात रह नहीं आती है। जहाँ तक स्मृति ईरानी है का सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं गोवा के अंदर इनकी जो मामला चल रहा है, उनकी बेटी का जो एक रेस्टोरेंट चला रही हैं जिसमें बगैर लाइसेंस के बार चलाया जा रहा है, उस मुद्दे को जो है हमारे खेड़ा साहब ने और जयराम रमेश जी ने इस मामले को उठाया था, तो इसको लेकर वो बड़े चिंतित हैं और वो ध्यान भटकाने के लिए, और उनका कोई मुकाबला नहीं है सोनिया गांधी जी से। स्मृति ईरानी जी जो हैं उनको अपने दायरे में होकर बात करनी थी। जब वो बात उनसे रमा देवी जी से बात कर रही थी तो बीच में उनको बात करने का कोई मतलब नहीं है। और देखिए, आज के समय में बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 22 करोड़ लोगों ने रोज़गार के लिए अप्लाई किया था पूरे, अगर आप, और ये आंकड़े मैं नहीं दे रहा, इनके खुद के मंत्री ने संसद में दिया है, कुल 7,21,000 नौकरियाँ इन्होंने दी हैं, जबकि ये कह रहे थे हम साल में 2 करोड़ देंगे, तो यानी कि अभी 3 साल हो गए तो 6 करोड़ रोज़गार देने चाहिए थे। 22 करोड़ लोगों ने जो है अप्लाई किया, केवल 7 लाख लोगों ने उसको रोज़गार मिला। फिर महंगाई है, भ्रष्टाचार है महंगाई के लिए, और अग्निपथ मुद्दा, इन सब मुद्दों को लेकर 5 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी करने के बारे में, तमाम जितने भी हमारे जो स्टेट कार्यालय हैं वहाँ पर जो है राजभवन का घेराव किया जाएगा, और लोकसभा और राज्यसभा के जो संसद हैं वो राष्ट्रपति भवन तक, चलो राष्ट्रपति भवन तक वहाँ चलेंगे, और बाकी दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी है वो प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। मुद्दा क्या लेके आए हैं? अनाज पर, आटे पर 5% GST लगाएंगे, आपके पनीर पर, दूध पर GST लगाएंगे 5%, और हीरे पर 1.5% लगाएंगे। ये अगर कार्य करेंगे तो विरोध तो करना पड़ेगा। अग्निपथ की योजना जो लेके आए हैं, मैं खुद फौज में रहा हूँ, मैं 4 साल में तो 180 दिन तो उनकी ट्रेनिंग चलेगी, 120 दिन उनकी छुट्टी के, उनके जो मिलते हैं 30 दिन के, रह गए 1120 दिन। उसमें से अगर जैसे मैं आर्मर्ड कोर में था, मैं खुद आर्मी में रहा हूँ, तो 6 महीने के तो जो ड्राइवर है उसका ऑटो कोर्स 1 साल का होता है, तो इनका 6 महीने का हो जाएगा, 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। अगर गनर है, अगर उसको तोप चलानी है, बफोर तोप चलानी है, तो कंप्यूटराइज है सारा मामला, वो सीखना पड़ेगा। तो यानी कि मात्र 1.5-2 साल जो है वो काम करेगा, उसके बाद उसकी छुट्टी कर देंगे और वो फिर बेरोज़गार हो जाएगा। अब जापान के अंदर जिस व्यक्ति ने जो भूतपूर्व जो
प्रधानमंत्री है जापान का जिसका कत्ल किया, वो भी जो है 3 साल ही नेवी में रहा था। तो ऐसे लोग जो या तो उनको सीधा पैरामिलिट्री फोर्सेस में लें, अब तो कोई बात है, उनको बेरोजगार अगर वो रह जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। आप मुझे बताइए कि जो सोनिया गांधी और राहुल जी के ऊपर न्यायालय में केस चल रहा है, वहाँ से वो बेल पे हैं, तो या तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी ईडी को क्या कि आप जाकर जो है उनकी जांच करें, या चलो अगर जांच भी कर लें ईडी अगर डॉक्यूमेंट अगर जांच भी कर सकती है तो 60 घंटे जांच करते हैं क्या? सब कुछ ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, ये सब सत्ता से मिले हुए हैं और आज सत्ता का दुरुपयोग करके इनका इस्तेमाल किया जा रहा है नेताओं को तंग करने के लिए, सरकारें तोड़ने के लिए, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे आपके महाराष्ट्र में हो, चाहे आपके गोवा के अंदर भी हमारे 50 करोड़ में एक एमएलए को देने की बात कर रहे हैं। तो छापे पड़ते हैं ईडी के किनके यहाँ? विपक्ष की जहाँ राज्य वहाँ पड़ते हैं उनके यहाँ। कभी आपने सुना है कि ईडी ने जो है मध्य प्रदेश में छापा मारा हो या कर्नाटका में छापा मारा हो जहाँ पर इनकी सरकारें हैं? अब महाराष्ट्र में छापे क्यों नहीं मारते हैं? अब सरकार उनकी अब छापे मारें, भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो इनकी पार्टी में आ जाए। अब हमारे कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर 200 करोड़ का मामला इन्होंने बताया था कि इनके पास अपार संपत्ति है, वो धुल गए हैं, दूध के धुल गए हैं, अब उनकी कोई ईडी की जांच होगी सारे काम बंद हो जाएंगे। ऐसे ही टीएमसी के कई नेता हैं जो आए थे, जब इनकी पार्टी में आएंगे तो उनके पास ईडी का काम बंद हो जाएगा, जब उनकी पार्टी में चले जाएंगे तो दूध के धुले हो जाएंगे। इतने ईमानदार हैं कि आज लाखों करोड़ों के इन्होंने जो महल नुमा जो हैं दफ्तर बना दिए, इनके यहाँ पेगासस जो कांड है जिसके अंदर जो है आपको सबको मालूम है किस तरीके से अपने ही खुद के मंत्रियों की ये की जासूसी कर रहे हैं, फिर तमाम कुछ LIC एयरपोर्ट आपके बंदरगाह आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपके LIC इन सब को बेच रहे हैं फिर भी ईमानदार हैं। यानी देश की जो संपत्ति है जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाई थी उसको बेच रहे हैं। आप किसी की जांच तो करवाइए, आप एक भी इनके जो है मंत्री की मुझे आप बता, ईडी ने कहीं छापा मारा हो कहीं जाकर, ये जो 50 करोड़ रुपये देने की बात कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है पैसा? अभी पिछले दिनों जब महाराष्ट्र में इनको 5-स्टार होटलों में रुकाया गया तो कितना खर्चा हुआ था उसका ब्यौरा दें, ये वो खर्चा किसने किया था।